हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा कॉल और आज मैं खड़ा हुआ हूँ मेरे बहुत अच्छी दोस्त सृष्टि मुंका की मम्मी आद्या आंटी के साथ। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे गोरेगांव एमजी रोड में दुनिया का सबसे अच्छा डिज़ाइनर स्टूडियो। इस स्टूडियो का नाम है आद्या स्टूडियो। ये आपको एमजी रोड के बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा। ये आंटी का स्टूडियो है। अब हम आपको अंदर आके इसकी सारी अच्छाई चीज़ें दिखाएंगे। हम इसमें दिखाएंगे आपको आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत लकी हैं, और आप लड़के हैं तब भी आप बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़की लड़कों हर इंसान के लिए डिज़ाइनर कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। हम आपको अभी अंदर जाके दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एमजी रोड की बिजी जगह पे, जहाँ पे कोई और स्टूडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंटी का स्टूडियो है। इसका नाम है आद्या। आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। चले आंटी। ओके सर, चलिए। तो आंटी, आपको अब हम सबको ये बताना है कि कहाँ पे, किस जगहों पे, कैसे कैसे, क्या क्या सेगमेंट में कैसे कपड़े रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमें स्टूडियो से। स्टूडियो आप जैसे देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और बहुत आलीशान भी है, और लोग भी बहुत आलीशान हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत भी। और आंटी हमें ये बताएंगी कि कहाँ पर, क्या क्या सेगमेंट पर, कैसे कैसी चीज़ें आपको मिलेगी। आंटी, अब शुरुआत में यहाँ पर यहाँ क्या है हमारे लिए, लड़कियों के लिए क्या है यहाँ पर खासकर? लड़कियों के लिए यहाँ पर आपको जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत के आउटफिट हैं, आप देख सकते हो। और आप अगर, हाँ, बहुत ही रिजनेबल है, एक बार आके आप विजिट करो। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत हेवी है, आप मतलब नहीं ले सकते हो, बहुत रिजनेबल प्राइस है। रीजनेबल के साथ साथ आप ये देखेंगे कि सारे जितने भी कपड़े हैं, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो नहीं पहना जा सकता। सारे वो कपड़े हैं जो अगर मैं लड़की होता मैं ज़रूर पहनता। चेहरे ऐसे कपड़े हैं जिनमें से एक भी कोई ख़राब नहीं। आप पास आएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिफरेंट डिफरेंट कपड़े हैं, और सबके पैटर्न बहुत अलग है। कोई भी ऐसे कपड़े नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं, कोई भी ऐसे कपड़े नहीं है जिनका कलर तक रिपीट हो रहा है, जिनका पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर हर एक कपड़े में एक अपनी क्रिएटिविटी है, एक अपनी वाइब है, एक अपनी किरण है, एक अपनी खूबसूरती है। और ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी होने वाली है, संगीत होने वाला है, या जैसे आज सृष्टि मुंका जो यहाँ इनकी बेटी है, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो ऐसी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी खुशखबरी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा और आगे आएंगे, ये सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा लेकिन कपड़ों की वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। और ये बहुत कंफर्टेबल है और बहुत रीजनेबल भी है। आंटी, इन कपड़ों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कितनी मेहनत लगी है कपड़े बनाने में, और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है कपड़े बनाने के लिए? ये मेरा पैसन है और मतलब मुझे मज़ा आता है। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि ये मतलब करते समय हार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ तो बनाती हूँ तो मुझे बहुत मतलब पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। तो आप कह रही हैं कि आप दिल से करती हैं, जो करती हूँ, या साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आदमी से दिमाग से करता तो आदमी इतने अच्छे कपड़े, आदमी औरत इतने अच्छे कपड़े नहीं बनाता। लेकिन ये जो है, ये सारे जितने भी हैं, एक एक दिल से करे गए हैं, एक एक बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से भी कह देंगे, आप इतने ध्यान से नहीं भी देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत है। अगर कोई भी लड़की ये पहन के किसी भी संगीत या किसी भी फंक्शन में जाती है तो वो बहुत अच्छी ही लगेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और आप ये स्टूडियो भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्टूडियो है। ऐसा स्टूडियो मैंने अभी तक तो बम्बई में नहीं देखा है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे अलग कुछ अलग किस्म की चीज़ें हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आंटी ने बहुत शिद्दत से बनाया है। ये सारे आंटी की खुद की कलेक्शन है, कहीं से कॉपी नहीं हुई। ये आंटी के ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। अब ये तो इलाका वो हो गया जहाँ पर आप सारे लहंगे देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे, हाँ यहाँ पर भी गाइज, इसको मिस नहीं करते, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे वहाँ पे देखा आपने, वैसे यहाँ पे भी है, अलग अलग किस्म की। ये देखिए, ये पिंक, ये पर्पल। आंटी, इनके बारे में कुछ बताती रहिए, कैसे है? कली है, जैसे आप संगीत मतलब मेहंदी मतलब किसी में भी पहन सकते हो। लाइट ओकेजन है, किसी के आपको जाना है, ये सब आप कैरी कर सकते हो। और आगे आइए और बताइए इनके बारे में क्या क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स हैं।
अनारकली है ये, जो एवरग्रीन होता है अनारकली, तो हर मतलब सभी कहीं भी पहन सकते हैं इसको जी। और ये क्या ज्यादा हैवी है ये? बिल्कुल लाइट वेट है। कैसे हैं, रीजनेबल हैं ये? वेरी रीजनेबल, कोई भी आ सकती है या कोई भी आके देख सकते हैं, किसी भी उम्र की लड़की पहन सकती है या किसी भी। आइए और आगे आके देखते हैं। अब आपने ये सेगमेंट देख लिया, अब आपको एक और सेगमेंट दिखाने वाले हैं हम दुकान का, वो सेगमेंट है ऊपर सिर्फ अब लड़कियों के तो बहुत सारे कलेक्शन है, अब हम आपको लड़कों के भी कलेक्शन दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के यहाँ पर से खाली हाथ जा सकते हैं, लड़कों को भी बहुत चीज़ें मिलेंगी, उसके लिए आपको हमारे साथ अंदर आना पड़ेगा। कम चलिए आंटी। सो आप बोल बताएंगे? हाँ, ये ज्वेलरीज है और ख़ुद की कस्टमाइज की हुई ज्वेलरी है, आपको मतलब बहुत रिजनेबल है। और जैसे आप लहंगे लेंगे, अनारकली लेंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वेलरी भी मिल सकती है। मैचिंग ज्वेलरी लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे ले सकते हो। और ये है ब्राइडल सेक्शन, यहाँ पे आपको थोड़े से, ये है अपर्णा मिश्रा जिसको आप जानते होंगे। थैंक यू। ये भी उतनी खुश है कि इसको भी बहुत सारे फ्री में कपड़े मिलने वाले हैं। बहुत खुश हूँ। अब अगर हम आपको दिखाएं, हाँ ये पूरा जो है पूरा ब्राइडल सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारे वो हैवी लहंगे, थोड़े से क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ओवर द टॉप लहंगे मिलेंगे, जो एक अगर शादी में एक लड़की पहनेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। आंटी दिखाइए क्या क्या है यहाँ पे। सो गाइज़ या तो उस जगह पे जाने से पहले मैं आपको एक जगह और दिखाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि लड़कों के कलेक्शन कुछ कम है, लड़कों के कलेक्शन भी बहुत सारे हैं हमारे पास। यूजुअली लड़कों के पास इतना ऑप्शन नहीं होते, पर आंटी के पास अगर आप आएंगे आदिया स्टूडियोज़ में, तो आप देखेंगे लड़कों के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट पैटर्न के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत हैवी है कि मतलब आप एक बहुत अच्छे ओकेजन में ही पहन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बहुत नॉर्मली चीज़ों पर पहन सकते। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, ये भी मैंने यहीं से लेके पहना हुआ है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन आउटफिट, बिकॉज आई थिंक हर इंसान बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, तो वो इंसान जो बहुत सटल है, जो ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने का जिसको शौक़ नहीं है, वो यहाँ पे सिंपल कुर्ते भी देख सकता है। जैसे यहाँ पे वो यहाँ पे सिंपल शेरवानी भी देख सकता है, सिंपल सूट्स भी देख सकता है। आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न्स है जो आप एवरी डे लाइफ में पहन सकते हैं। जैसे आप किसी एक, अगर कोई अच्छे से कॉन्फ्रेंस पर जाया वहाँ पहन सकते हैं, अगर आप किसी एक अच्छी कोई अच्छी, जैसे अभी ये ओकेजन है तो यहाँ के लिए पहन सकते हैं। और आप देखेंगे तो डिफरेंट पैटर्न्स है, यहाँ पे फ्लोरल है, यहाँ पे आपके लिए लड़कों के लिए थोड़ा सा ग्लैमरी है, एंड लड़कियों के लिए सिमिलरली, जैसे लड़कियाँ हर ओकेजन पे बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत ज़्यादा हैवी लहंगे नहीं पहन सकती, वैसे ही जो लड़कियाँ वो नहीं चाहती, तो हमारे पास बहुत सारे कॉटन के कुर्ते भी हैं, बहुत सिंपल और बेसिक कपड़े भी हैं जो लड़कियाँ एवरी डे ज़िंदगी में पहन सकती हैं, आने जाने में, इधर उधर करने में। जैसे मेरे पास पहले बहुत क्लाइंट आते थे तो बोलते थे कि आप सिर्फ हैवी आउटफिट रखते हो, नॉर्मल नहीं रखते हो, तो मैंने इस बार जैसे नॉर्मल ट्रूजो के हिसाब से भी, जैसे कुर्ते, जॉर्जेट के सूट्स, वेस्टर्न, मतलब सभी कुछ इस बार रखा है। और तो और फैब्रिक भी रखा है कि अगर आप जैसे स्टिच कराना चाहो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो स्टिचिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मतलब ये समझ लो कि आपको हर नीड की चीज़ मिल जाएगी, आपको जिस दिन जो पहनने का मन है आपको वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था ना गाइस, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप एक बार आप यहाँ पे आ गए तो आपको कहीं और जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक और ऐसी चीज़ है जो ब्राइडल्स को बहुत अच्छी लगेगी, जो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। जैसे हम अब लड़कियों को लड़कियों की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि उनको तैयार कहाँ होगी, बाल कहाँ बनाएंगी, किसके पास जाएंगी, अगर आउटफिट एक बारी को पहन भी लिया तो बाकी की चीज़ें कैसे करेंगी। उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास एक ऐसा कमरा है जहाँ पे एक ब्राइड को तैयार करा जा सकता है। आई शो यू, कोई है तो नहीं अंदर, कोई तैयार तो नहीं हो रहा है? हियर इट इज। सो दिस रूम राइट हियर, दिस इज फॉर एवरीवन टू गेट रेडी। यहाँ पे हमारे पास सामने मेकअप आर्टिस्ट आ जाएंगे, यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट आ जाएंगे, यहाँ पे सब आ जाएंगे जो आंटी अवेलेबल करेंगी। और जो लड़कियां हैं जो तैयार हो रही हैं, होना चाहती हैं अपनी शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो यहाँ पे आके आराम से टेंशन फ्री होके बैठ सकती हैं और उनके बाल बन जाएंगे, उनका आई मेकअप हो जाएगा, उनका ब्राइडल मेकअप हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दिस
एंड वन चेरी ऑन द टॉप इज दिस प्लेस विच इज सो अमेजिंग, जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और आज से पहले कभी नहीं देखी. ये है एक डांसिंग स्टूडियो जहाँ पे जो इंसान आता है वो बहुत खुश रहता है. मेरे यहाँ पे बहुत दोस्त हैं जो बहुत खुश हैं. गाइज कम इन, आप लोग मेरे लोग क्रिश, थैंक यू. सो गाइज आज बहुत अच्छा अवसर है. अक्षय भाई आ जाओ, जल्दी आओ. आज क्या क्या है? आज दो चीज़ें हैं. आज पहली चीज़ ये है कि आंटी का जो है, जो आंटी का स्टूडियो है वो आज खुला है. और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि आज सृष्टि के 1 मिलियन फॉलोअर्स है. सृष्टि इधर आओ. कमे सृष्टि मुंका के 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं और उसके लिए थोड़े से फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे इकट्ठा हुए हैं उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए. सो गाइज कंग्रेचुलेशन सृष्टि मुंका, कंग्रेचुलेशन आद्यान, थैंक यू वेरी मच. So guys, this is a place where you can make your reels. You, this is the place where you can dance. Where there's, it's a good proper dancing studio. It has a good speaker, so you can learn dance or do whatever you want to here. Do your photo shoot also here. Once you're ready as a bridal, you can come here, do your photo shoot, make some few reels with your husband or whatever. This is a place for you. Okay. See you later. Bye bye. Now I'm gonna have fun. Enjoy myself. Bye guys.